हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय स्टडी सेंटर। तो आज आम आलोचना करवा नवजागरण और ओडिया सहित जो रही आम आलोचना करवा नवजागरण नवजागरण और ओडिया साहित्य यहाँ आम आलोचना करवा यार मुतोटे भिड आगे सेयार कर सारी जो थी कि नवजागरण किपर होता क्यों क्यों पर्यायर ओडिया साहित्य नवजागरण होते भिड आगे देगुड़ाक देखु तो जो नवजागरण रही नवजागरण जो मैंने विशिष्ट भाव अवदान रही जो जो साहित्यिक मैंने रही विषय आम आलोचना करवा राधानाथ राय हो मधुसूदन राव हो गंगाधर मेहर हो फकीर मोहन सेनापति होने गुड़े रही तो से विषय को आम आलोचना करवा तो आज जो आलोचना रही राधानाथ राय पर्यवेक्षित नवजागरण में राधानाथ राय कौन भूमिका रही आलोचना करवा जेहेतु लाइट बोर्ड सामने व्हाइट बोर्ड सामने आसपापी अनेक गुड़े प्रोब्लेम है जेहेतु इलेक्ट्रिकल प्रोब्लेम चली रही बर्तमान वर्षा समय तो तेणुक मुझे पीडीएफ मध्यम पढ़ाई चेस्टा करीडियोर आरंभ रु शेष पर्यंत देखो पूरा संपूर्ण तथ्य जो राधानाथ राय दिजाव एकदम पूरा डेस्क्रिप्टिव भाव में देखु तो आम राधानाथ राय को किपर आलोचना कर नवजागरण में तर कि प्रभाव पड़े और राधानाथ राय को आम किप आलोचना करवा से पांचटी भाग विभक्त कर दे गोटे हूँ कवि जीवन राधानाथ राय जीवन कौन थी किपर आरंभ है तृतीयटी कर्ममय जीवन तर जो कर्ममय जीवन कौन रही तृतीय रोचे स्रष्टा राधानाथ और चतुर्थ रोच जोटा काव्य समग्र समग्र विश्लेषण एवं युग प्रवर्तक राधानाथ बारंबार छात्र छात्री मान मन प्रश्न सृष्टि करते राधानाथ को कौन पर युग प्रवर्तक कहा जाए कौन पर राधानाथ को युग प्रवर्तक कहा जाए से विषय को आलोचना करी तो पूर्व मुझा जो परिवेश को ये जगह जो पांचटी विभाग रखी से अनुसार आलोचना को आगे ना तो आज प्रथम आलोचना जब प्रथम भाग में जोटा रही कवि जीवन बा जो राधानाथ कवि राधानाथ राय जीवन कौन रही विषय में आलोचना करी तो ओडिया साहित्य जो नवनिर्माता आम कहू ओडिया आधुनिक साहित्य जो नवनिर्माता रूपे आम जहाँ देखुचु तो से मतरे राधानाथ राय को अन्यतम रूपे आम देखा पाई आधुनिक ओडिया साहित्य स्थान अद्वितीय तो से ही दृष्टिकोण जन्म हुए 1848 सेप्टेम्बर 28 तारीख दिन बालेश्वर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम रे तांकर जन्म होतला 1848 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारीख जोटा कि बालेश्वर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम रे बा बालेश्वर जिला निकटतः केदारपुर ग्राम रे तांकर जे पिता थिले से होचंती सुंदर नारायण एवं माता थिले तारिणी देवी सुंदर नारायण राय एवं माता थिले तारिणी देवी केते केते पुस्तक तारिणी दासी बोली भी कह जाए तो आम तारिणी देवी को नेबा तापरे जो राधानाथ राय जो पत्नी रोचे से होंगे परसमणी जहाँकि 1870 मसीह से बहुत करती परसमणी को एवं तंकर दुईटी पुत्र संतान जन्म होती जे कि शशिभूषण राय और रजनीभूषण राय तो राधानाथ पिता द्वितीय पत्नी मध्य विवाह करते से विषय को आम आलोचना करवा नहीं केवल आम राधानाथ राय को जेहेतु आलोचना करुचुकर विषय आम आलोचना करवा तो जदि देखा तो राधानाथ राय पांच वर्ष जितेबले होते मातृवियोग घटी और मातृवियोग राधानाथ राय पिता द्वितीयतः बहुत करुँचा द्वितीय बहित पत्नी निकट में जे तांकर माता जो राधानाथ राय माता द्वितीय माता तांकठारे से ललित पलित होती अवस्था तांकर जीवन आरंभ घटुचे तो तांकर जीवन किपरी आगक आगक गति कर विषय में देखा तो जेपरी आम देखु माटी वंश अवधान ठार शिक्षा समाप्त कर सुर ठारे भर्णाकला स्कूल अध्ययन कले प्रथम से माटी वंश अवधान शिक्षा परिसमाप्त कले एवं परवर्ती पर्यायर तर जो कौन थी ना सोर गोटे जगार ना से भन्ना स्कूल स्कूल जोटा रही है जोटा कि देशीय विद्यालय कहुए से अध्ययन कले 1858 मसीह बालेश्वर जिला स्कूल षष्ठ श्रेणी नाम लिखागला 1858 मसीह 1863 प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होते
जोटे एवं से ठार जीवन आरंभ घटी तो सी अनुसार जीवन कथा आम जान ला तो से जीवन भितर आरम आरंभ रही जो कर्ममय जीवन रही आलोचना कर द्वितीय पार्टी आसर कर्ममय जीवन मु कर्ममय जीवन को दुई भाग विभक्त कर गोटे हूँ शिक्षक जीवन और अन्यटे हूँ शिक्षा प्रशासक जीवन तो एथरो आपण मन को बुझाप हो पार तो से दृष्टिकोण जदि आम देखा 1864 रु 72 मसीहा पर्यटन शिक्षकता जीवन रही से प्रथम कर 1864 मसीह बालेश्वर जिला स्कूल तृतीय शिक्षक रूपे योगदान आम देखा पाई जोटर कि से आरंभ होता कर्ममय जीवन तो शिक्षकता सहित से अध्ययन करते कौन ना संस्कृत बंगला इंग्राजी अनेक गुड़े ग्रंथ तापर राजा वैकुंठ देव फकीरमोहन सेनापति गोविंद चंद्र पट्टनायक जयकृष्ण चौधरी प्रमुख व्यक्ति मान संस्पर्श में राधानाथ प्राचीन ओडिया साहित्य संपर्क में चर्चा करार सुजोग लाभ करते द्वितीय जोटा स्कूल रोच 1869 जोटा कि 1869 जानुरी 14 तारीख जोटा कि पूरी जिला स्कूल द्वितीय शिक्षक रूपे से जगह राधानाथ राय को जोग देवाक पड़ी पूरी जिला स्कूल तापर से शिक्षकता आरंभ घटी आम जो द्वितीय पर्याय आरंभ होपर द्वितीयतः तृतीयतः सी आसान 1872 मसीह बेलू जनवरी 10 तारीख जोटा कि बांकुड़ा जिला स्कूल द्वितीय शिक्षक रूपे से जोग दे 1872 मसीह जनवरी मसरे व्यक्तित्व एवं आदर्श छात्र समाज उपरे गभीर प्रभाव पड़ता आम देखा पाई तो जोटा देखुला 1864 रु 1872 पर्यंत जून मास पर्यंत राधानाथ शिक्षक भाव जीवन कटे तो यह समय मध्य कौन करते ना से घर भाव में एफ ए पास करने सहित इंग्राजी बंगला और संस्कृत भाषार बहु पुस्तक अध्ययन करते तो 9 अंक दुर्भिक्ष और ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन ये समय घटी कथ आम कहीपर तो राधानाथ राय 1872 साल जुलाई मस 26 तारीख में बालेश्वर जिलार समूह स्कूल डेप्युटी इन्स्पेक्टर रूपे कार्य कले द्वितीय पर्याय को आम आसवा जोटा कि शिक्षा प्रशासक जीवन तक जोटा रोचे से कहते 1872 जुलाई 26 तारीख बालेश्वर जिला स्कूल बालेश्वर जिला स्कूल समूह डेप्युटी इन्स्पेक्टर रूपे जगह से जोग देखते कार्यभार से ग्रहण कर समय गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय आम देखा पाई से से समय रे मधुसूदन राव बालेश्वर जिला स्कूल द्वितीय शिक्षक रूपे ग्रहण योगदान कर सारी था राधानाथ एवं मधुसूदन राव अपूर्व मिलन से घटी एवं आधुनिक ओडिया साहित्य मिलन अनेक क्षेत्र में आधुनिक ओडिया साहित्य को विकसित करने विशेष भाव में साहय प्रदान करोटा रोच 1877 मसीह जोटा कि नवेम्बर 26 तारीख ओडिशा शिक्षा विभाग रेले जॉइंट इंस्पेक्टर तंकर जॉइंट इंस्पेक्टर भाव रे से योगदान करी थिले 1877 मसीह रे एवं एही समय रे से अवस्थान कले कटक और समग्र ओडिशा बुली देखिवार सौभाग्य मध्य से पाई थिले तो ता पूर्व रे से कोन करथले बंगला कविता लेखुथिले तापरे एजटा को हमें ए जगह रे नेबा 1877 कथा तापर 1903 मसीह से अवसर ग्रहण करते जोटा कि से अवसर ग्रहण कला समय रे से थिले इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रूपे से अवसर ग्रहण करते तो कर्ममय जीवन कथा देखला शिक्षक एवं शिक्षा प्रशासक रूप से जीवन तापर आम आसवा बंगला और ओडिया भितर जो पार्थक्य रही बंगला और ओडिया किपर समन्वय घटी तो सीता जो पिता थिले से कौन आगर दे रूपे लिखुले जोटा कि सुंदर नारायण दे परवर्ती पर्याय इंग्रेज सरकार राजा उपाधि जोटा कि पाई राय बहादुर उपाधि राय बहादुर उपाधि पाइला से राय रूपे परिचित हेले सुंदर नारायण दे होगा सुंदर नारायण राय तो से कथा को आम से आलोचना करवा जो
79 मसीहा बेलू फुदेव मुखोपाध्याय सहित साक्षात हुए कविवर राधानाथ राय सहित एवं से 1879 ख्रीष्टाब्दे भूदेव मुखोपाध्याय संस्पर्श से आसी से अनेक गुड़े प्रेरणा से ग्रहण कर प्रेरणा स्वरूप आरंभ करते जो से कौन प्रेरणा देते से ही समय जे ओडिया भाषा रे लेखालेखी करवाई जेहेतु बंगला भाषा रे से कविता बोली आगर लिखी सारी तो से कविता बोली युव को देखला परे से प्रेरणा करिसंती जे ओडिया भाषा रे लेखालेखी करबा पाए तापरे से कथा तो गोटे गला तांको जो प्रेरणा से प्रदान करितिले तापरे 1849 डिसेंबर मास रे राधानाथ राय वर्तमान बर्धमान डिविजन को बदली हुए तंकर जोठी कर्मभूमि थिला सेटा थिला हुगली कर्मभूमि हुगली हेगला एवं सेठारे तंकर देखा हुए बंगिया नारी कवि नगेंद्र बाला जोटा कि बंगिया नारी कवि जो नगेंद्र बाला रही सहित देखा हुए 1849 सेठारे ही भितरे अनेक गुड़े जिनस आम देखा पाइथ जोटा कि नगेन्द्र बाला जन नारी कवि रूप से देखा पाइथ मात्र 18 बयस रचना करते प्रथम कविता संकलन जोटा कि मर्मगाथा जोटा कि प्रकाश पाई सारी तो राधाना जिते बिल हुगुली अवस्थान करुले से ही समय सहित तो नगेन्द्र बाला साक्षात हुए और से ही समय सहित तो परिचित हुए तो राधानाथ को कवित्व को नगेन्द्र बाला शतकंठ से प्रशंसा कर राधानाथ को उद्देश्य से रचना करूतले स्वर्ग भूतले स्वर्ग रचना करने पचर अनेक गुड़े कहानी रही जगह उपस्थापन करने चाहिए तो नगेन्द्र बाला जो रोचान से राधानाथ को कवितार मुग्ध पाठिका से कविता हिंसा कविता लिखा प्रेरणा देखा एवं से जगह राधानाथ राय एवं नगेन्द्र बाला मध्य अवैध प्रेम संपर्क से जगह स्थापित जेने कवि से जगह बहित से नगेन्द्र बाला भी बहित ए जगह राधानाथ राय मध्य बहित उभयों मध्य प्रेम संपर्क स्थापित होता जोटे कि जहा कि ओडिया भाषा साहित्य को गोटे समृद्ध करने चेष्टा करा जाइथिबा बा सही समय ओडिया भाषा साहित्य को समृद्ध करने अहेतुक चेष्टा रही कथा कहा जाय पारे तो जो नगेन्द्र बाला टी रही थिले से राधानाथ राय प्रति आकृष्ट होते तो जड़े तरुण बयसी कवि नारी कवि पेपर राधानाथ राय पढ़ी कथा कहा जाए जोटा कि 1901 जोटा कि अवैध प्रेम संपर्क मध्य स्थापित होता एवं से समय ही राधानाथ राय को जो एवं जो नगेन्द्र बाला मध्य जो संपर्क था ये गभीर हो जाए कहारे को से जगह त्याग करे ना परिशेष सी जो नगेन्द्र बाला राधानाथ राय प्रेम निविड़ हो गले जैसे ओडिया भाषा रे जोटा कि बसंत गाथा रही मधुसूदन राव को बंगलार अनुवाद कले चिलिका को मध्य बंगलार अनुवाद कले महाजात्रा को मध्य से अनुवाद करते से प्रति ये विमुख हो गले प्रति ये आकृष्ट हो गले 1906 बेलू से आत्महत्या करदे तो यू आरंभ हुए कविवर राधानाथ राय षष्ठा जीवन जो प्रेमिका ये प्रेम करदेला एत भल पाइला एत सहानुभूति देयोगे सी अत्यंत दुखी हो गए सीठू ही आरंभ है जो विजयगात्मक कवितार धारा सीठू ही कविवर राधानाथ राय रचना कर बसिले अनेक गुड़े विजयगात्मक कविता कवितार मर्मवाणी है विजयोग चिंताधारा से जगह आम देखा पाई राधानाथ राय निकटरे तो नगेन्द्र बाला जो अपूर्व प्रेम जड़े करुण दरादी कवि रूपे परिणत कर तो
जो रही ये सी प्राथमिक जीवन पर्यायर तर षा जीवन को आम आलोचना करवा षा राधानाथ राय वा राधानाथ कौन से रचना कर तो से बंगला रचना कले कवितावली प्रथम भाग एवं 1868 एवं द्वितीय भाग 1872 रे लेखावली प्रकाश पाई 1879 अनुवाद करते मेघदूत जोटी 1873 रे तुलसी स्तवक इतालिया जीवा तो सीटा से समय से लिखी थे जो काव्य कविता रही ओडिया कवितावली प्रथम भाग जोटा कि 1876 एवं द्वितीय भाग जोटा कि 1885 मसीह केदारगौरी 1886 चंद्रभागा 1886 नंदीकेश्वरी जोटा 1887 उषा 1888 पार्वती 1890 चिलिका 1891 महाजात्रा 1892 तापर आसुचर आउ जो रही जजाति केशरी जोटा 1894 95 तुलसी स्तवक 1894 दरबार 1894 रु 97 उर्वशी 1895 एवं तंकर जो प्रथम ओडिया प्रबंध जोटा विवेकी शाह 1873 रे आत्मप्रकाश करितला तो जगन राधानाथ रायंकर जो रचना बोली रही आम आहुरी आउ गोटे क्लास रे में आलोचना करवा काव्य समग्र जो विश्लेषण एवं युग प्रवर्तक राधानाथ कौन पर कहुए आलोचना करवा तो यह समस्त जिनस को आलोचना कले संभवपर नुहे तो से दृष्टिकोण परवर्ती पर्यायर ताकू आम आलोचना करवा तो आज क्लास को यही परिसमाप्त करवा जोटा कि राधानाथ रायंकर जो जीवनी कर्ममय जीवन एवं षष्ठा राधानाथ को संक्षिप्त रूप से आलोचना कली आशा करूँ भिडियो समस्त भल लगे समस्त को धन्यवाद।